थैंक गॉड आ गए। प्रॉब्लम ये क्या, पसूड़ी पड़ी रहती है लाइट की, अब गर्मी आ गई है तो ये मुसीबत ही रहेगी। शुक्र है। अरे रब्बा, रमन, ऐ देखो। रमन, ये क्या है? नहीं पापा, ये वो भाई, ये कौन सी हॉलीवुड मूवी चल रही है? थप्पड़ मारूंगा, फंसे हुए हम लोग, निकालो मुझको यहाँ से पहले। रोबी कुछ करो ना प्लीज। हटो यार। रमन, इशिता, तुम लोग घर के अंदर क्या कर रहे थे? बाहर तो ताला लगा हुआ था, तुम लोग पूरा टाइम यहीं पर ही थे? ओए, ऐ क्यों है रमन, सारा कुछ ठीक तो है? हाँ, वो पता नहीं कैसे रॉड गिर गया। रमन, आपका हाथ? ये हाथ को कुछ नहीं, चुप बैठो। पर आपको तो मैं जाते हुए देखा था, गाड़ी भी नहीं थी आपकी भाई नीचे तो। अरे बेटा, गाड़ी गई थी पेट्रोल भरवाने, मैं ऊपर आ चुका था, कमरे में था, टंडन से बात कर रहा था, और ये थी बाथरूम में। आप लोगों लोग, हम लोग है नहीं, तो आप लोगों ने बाहर से बंद कर दिया, हम फंस गए। तो आप दोनों को पनिशमेंट मिल गया, I'm so sorry। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आप लोगों का डिनर कैसा था? और सिमी ठीक है? उत्तर, वो ठीक ही थी, वो नीचे पम्मी मिल गई है, उसके साथ बात कर रही है, तो बेबी और रूही के साथ आती ही होगी। अब ऐसा करो, तुम दोनों जाकर सो जाओ। ठीक है, जाओ। तुलसी जी, इधर आओ। क्या हो गया? अरे मुझे लगता है कि ये दोनों अकेले रहना चाहते थे। तो देखा ना, घर बंद होने के बावजूद भी इन्होंने हमें फोन नहीं किया। ओए हो जी, कोई गल नहीं है, सुनाने का उस दिन दोनों क्या कह रहे थे? इसलिए तो कह रहा हूँ तुलसी जी, जब धीरे धीरे ये दोनों आपस में नजदीक आते हैं तो अच्छा ही है ना। वैसे भी पिछले दिनों इतना कुछ हुआ घर में, कुछ तो पल अच्छा हो। भला जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा पुत्र रमन खुश रहे, बस। और तुलसी जी, सब खुश रहेंगे, टेंशन ना लो। इंस्पेक्टर, आप ही पेपर घर पे नहीं भेज सकते साइन के लिए? सर, पुलिस चौकी है ये, और जब जमीन का फ्रॉड हुआ है तो कार्रवाई तो यहीं करनी पड़ेगी ना, और आप तो चाहते हैं ना कि ये केस जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे सर पर चढ़ जाएंगे? तो हमने कही थी क्या चोरी की जमीन खरीदने को? और तुम, व्हाट डू यू पे सो मच कि मुझे आना पड़े ये काम करने के लिए? यू शुड हैंडल दीज थिंग्स। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की थी पर। अरे साहब को कुछ ठंडा ठंडा पिलाओ, बहुत उबल रहे हैं। वकील साहब, ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए एक बारी। सब रमन की वजह से हुआ है, सब फंसा दिया है मुझे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर। वकील साहब, मुझे एक फोन करना है, आप कीजिए। ओके। ओके बाय। आदमी को देखा है कहीं? अरे ये तो रमन का जीजा है, लेकिन रमन का जीजा यहां जेल में बंद क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, वो अंदर एक आदमी बंद है, काफी अच्छे घर का लग रहा, आपने उसे बंद क्यों किया? अब सबकी रिपोर्ट आपको दूं क्या? अच्छे घर के तो सभी दिखते हैं, अपने ही घर में अपनी ही सलेज पर हावी हो रहा था। रमन बल्ला को तो जानते ही होंगे आप, जीजा है उसका, बहुत बड़ा लौंडियाबाज है, दो तीन औरतों को खूब घुमाया इसने, और फिर रमन की वाइफ के साथ। भाई साहब, बहुत दिन तक जेल में सड़ेगा ये। परमीत, ये साहब तेरे से मिलना चाहते हैं। अशोक खन्ना, रमन कुमार भल्ला का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन अगर तुम चाहो तो अब मैं तुम्हारा दोस्त भी बन सकता हूँ। भरोसा कैसे कर लूँ तुम पर? यार, सुना है बड़े कमीने। फिर तुम्हारी बहुत अच्छी पटेगी, सुना है तुम भी कुछ कम नहीं। देखो, हमारा दुश्मन एक ही, रमन कुमार भल्ला, और दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। अब तुम खुद ही सोचो कि मेरी दोस्ती से तुम्हें फायदा होगा या नहीं। हाय रब्बा,
चोट लग गई, बताया क्यों नहीं? बाबू पर्दे का पेलमेट गिर गया ना मेरे पे, इसी ने तो खींचा पर्दा। ओए तू ध्यान नहीं रख सकती, ऐसे कैसे चोट लग गई? अकल नहीं तुझे? बिल्कुल अक्कल नहीं है माई, देखो कितना खून निकल रहा है माँ। रब्बा, ओए तेरा ध्यान किधर रहता है, क्लिनिक में? हाँ वही होगा ना, यहाँ होता तो ऐसा होता ठीक है, लेकिन डॉक्टर है पट्टी वट्टी लगा देती। ये चंगा है कि पहले चोट लगाओ फिर मरम पट्टी करो, या तो वही गाल हो गई कि अगले दा बेड़ा गरक कर दो फिर सारी कह दो। चलो सारी गाली मुक गई। माँ बोलो ना इसको पट्टी लगाए। ओए और खलोती क्या, ओ कर उसके मरा पट्टी छेती। भाई मेरा बच्चा ठीक है तू? अपना ध्यान रखना, अगर तुझे कोई लोड हो ना मुझे आवाज मार लेना या मेरे कमरे में आ जाना, ठीक है? इसको बोलो ठीक से बांधे, दर्द नहीं होना चाहिए। ओए दुखना नहीं चाहिए, अच्छा ठीक से कर पट्टी। सरप्राइज सरप्राइज। वाह जी वाह सोनियो, लगता है इस देश की मिट्टी की हवा भाग गई तेरे को। हाँ क्या ये सब मीर का कमाल है। अय्यर आंटी अपनी मेरी बहन का इतना ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। अरे इसमें क्या है? गिफ्ट्स गिफ्ट्स हैं। आंटी ये आप रखिए, मैंने स्पेशली लंदन से मंगवाया आपके लिए, आपका परफ्यूम है। अब वैसे इस सब की क्या जरूरत थी? अरे क्या बात कर रहे हैं अय्यर अंकल, आजकल इस दुनिया में ऐसा कौन करता है? आप रमन के इन-लॉज हैं, आपने मेरी बहन को इतना खुश रखा, उसका ख्याल रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता था। देखिए मैं चाहता हूं कि त्रिशा की सगाई में आप हमारे घर से आए। देखिए मैं जानता हूं कि मैं रमन का गेस्ट हूं, लेकिन त्रिशा भी तो आप ही की बेटी है ना? देखिए मना मत कीजिएगा प्लीज। क्या हाल है टंडन साहब? हे रमन, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। नमस्ते शिदा भाभी, कैसे हैं आप? वेरी गुड। यार बोर्ड मीटिंग में बात करते करते मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी रिश्तेदार बनेंगे। सीरियसली ऐसे रमन मीर क्या लड़का है, कमाल है एकदम हीरा। और शिदा भाभी आपके मॉम डैड ने मेरी बहन का इतना ख्याल रखा, इनफैक्ट मैं उनको बता ही रहा था कि आप त्रिशा की सगाई का सारा इंतजाम ना वही करेंगे, पहले उसकी सगाई फिर कुछ दिनों में उसकी शादी और उसके बाद इस घर से उसकी विदाई। क्यों? वो बस 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 आपने हाँ कह दी, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। और त्रिशा अब तो इशिता भाभी भी आ गई है। इशिता भाभी आई होप अब आप सब कुछ संभाल लेंगी। अरे ये भी कोई बोलने की बात, वैसे पापा ने वेन्यूज तो देख ही लिए, तो इशिता और मैं जाकर शाम को डेकोर मेन्यू बाकी डिटेल्स फाइनल कर लेंगे। यू डोंट वरी अबाउट। थैंक यू सो मच। आज तुमको टाइम नहीं मधु, अब रमन कह रहा है तो इशू टाइम निकाल लेगी। हाँ तो बस अब बाकी काम ये लोग संभालेंगे और हम ऑफिस जाके थोड़ा सा काम कर लेते। हाँ हाँ चलो। जवाब दो, क्यों कर रहे हो तुम ये सगाई? भाभी आप मुझसे वही सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको पता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारे भाई के लिए जिनके तुम पे बहुत एहसान है, वही सारी पुरानी लाइनें। पर पता है ये रीजन काफी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मिहिर तुम मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो। जब तुम मीका से प्यार करते हो तो उसको छोड़कर त्रिशा से क्यों सगाई क्यों कर रहे हो? भाभी ऐसा कुछ नहीं है, आज तक मेरी जिंदगी के सभी फैसले रमन भाई ने लिए हैं और इसलिए ये फैसला भी वही ले रहे हैं, और वो कभी भी मेरे लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, उन्होंने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। आप सबको लग रहा है कि मुझे सगाई से प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मिहिर आई होप यू आर अवेयर, तुम अपने भाई की बात रखने के लिए जिंदगी भर का एक कमिटमेंट करने जा रहे हो, पर तुम्हें पता है ना कि जिंदगी तुम्हें जीनी पड़ेगी। भाभी मेरी जिंदगी भी उनकी है, मेरा सब कुछ उनका है, पता नहीं आपको कैसे समझाऊं। भाभी एक टाइम था मैं जिंदगी में बहुत केयरलेस था, बहुत गलत फैसले लिए मैंने, लेकिन रमन भाई कभी भी मेरे साथ केयरलेस नहीं थे, उन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे सही राह दिखाई। और भाभी आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस पोजीशन पे, और ये जो मेरी जिंदगी है सब उनके कारण है। वो कभी भी मेरे लिए कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते भाभी, कभी नहीं, वो हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हैं, मैं अपने आप से ज़्यादा
उनके फैसलों में मानता हूँ और भरोसा रखता हूँ। और रमन भाई ने कहा कि त्रिशा से शादी कर लो, तो मैं कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे लिए सही डिसीजन लिया और भाभी मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप यहाँ मेरी भलाई के लिए बातें कर रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। गुड मॉर्निंग बोला सर। मम्मी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो एक्चुअली उस दिन हम पूरी बात नहीं कर पाए ना, वो एक्चुअली आपको इनवाइट करना था। वैसे इशिता भाभी तो इनवाइट कर लेगी, तो सोचा मैं ही कर लेता हूँ सर। इनवाइट? किस चीज के लिए इनवाइट करना चाहते हो भाई? सर वो मीर और त्रिशा की सगाई के लिए। ओ हाँ सर, एक्चुअली वो अपने घर का ही है और आप भी, तो आपको सारी रस्मों पे तो आना ही पड़ेगा। एक्चुअली हम ही कर रहे हैं सब कुछ, बेसिकली भाई सारा संभाल रहे हैं, दोनों शोरों से तैयारी चल रही है। हाँ डोंट वरी रोमी, मैं और वंदिता जरूर आएंगे। जरूर आएगा? या बाय। सर वो आप पेपर आउट करने वाले थे, मुझे तो पास कर देंगे ना सर? रोमी तुम एक काम करो, शाम को घर आओ और अपने पैसे ले जाओ और पढ़ाई करके पास हो जाओ। ओके? क्या बात कर रहे हो सर? तो और कैसी बात करूं यार, यू डोंट ट्रस्ट मी और व्हाट? डोंट वरी, मैंने अभी पेपर ही सेट नहीं किया है। मैं जैसे ही पेपर सेट करूंगा सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगा। सो डोंट वरी एंड रिलैक्स। बस सर यही बोला था कि कहीं बोल ना जाना सर। नहीं बिल्कुल। ओके सर। या यावन। हाँ क्वेश्चन पेपर मैंने सेट कर लिया है, कल सबमिट कर दूंगा। इस बार मैंने 5 अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं। वी आर नॉट रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ चांसेस दिस टाइम। हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर फाइनल है। ऑफ कोर्स वंदु, ये सारे प्रिकॉशंस तो हमें लेने ही थे, इस बार गलती का कोई स्कोप नहीं छोड़ सकते हैं। ये साला तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। अभी इसने मुझे बोला कि पेपर सेट नहीं हुए, कहीं ये साला डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा? या ओके बाय सी यू। रोमी और उसके दोस्तों को अब मैं बताऊंगा उसे क्या लगता है जिसने पैसे देकर मुझे खरीद लिया है। लेकिन अब उसे और उसके पूरे गैंग को मैं एक्सपोज करूंगा। साला इसकी ये तो बड़ा ही स्मार्ट बन रहा है, फैमिली से ही गद्दारी है। इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। तू तो गया बेटा, इसको तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ मीर, नहीं मेल मैंने चेक कर लिया है, तो टंडन से सारी मीटिंग्स कल तू कर ले और कुछ चेंजेस होंगे तो मैं तुझे बोलूंगा। ठीक है रमन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं मिहिर की बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप मिहिर के बारे में जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, आप उसके लिए गलत सोच ही नहीं सकते। क्यों फिर भी रमन, क्या आपको नहीं दिखाई देता कि उसके दिल में क्या है? आप क्यों उस पे जोर डाल रहे हैं इस शादी के लिए? कि दिल उसके दिल की या तुम्हारे दिल की? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? एक बार मिहिर ने कह दिया ना तुमसे कि जो मैं उसके लिए सोचूंगा वो वही करेगा, तो बार बार अपनी बहन की तरफदारी करना बंद कर दो। तुम मेरी बीवी हो ना, तो मेरी इज्जत करना सीखो, मेरे फैसले माना करो। मेरे सारे घर वाले खुश हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हें शौक है उस पर पानी फेरने का। तुम एक बार किसी और के फैसले को मान नहीं सकती, हर बार कुछ ना कुछ नाटक करना जरूरी है तुम्हारे लिए। कान खोल के सुनो, मैंने तय कर लिया है और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता, और मिहिर वही करेगा जो मैं उससे करने को कहूं। कल हम जा रहे हैं वेन्यू देखने, और तुम्हारे पति होने की हैसियत से तुमसे कह रहा हूं, तुम वहां चलोगी और अपना मुंह बंद रखोगी, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। सब वन आर चल, हम कल आ रहे हैं वेन्यू देखने।
अक्का मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि मैं बहुत हर्ट हूँ। You're right, अक्का, I am hurt. एक लड़के के चक्कर में मैं मरने नहीं वाली। अब मिहिर को सगाई करनी है तो करे, let him move on. अब उसके लिए मैं अपनी जान दूंगी क्या? अक्का सीरियसली, ना नल्ला दा इरके, अब मेरे लिए टेंशन मत लो, just let it be. मेघा, मुझे मालूम है कि मिहिर तुमसे प्यार करता है, उसके अंदर है वो फीलिंग्स। पता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आंखें नहीं छुपा पाती। उसका दिल कुछ और कहता है और जुबान कुछ और। अक्का प्लीज, सारा खेल जुबान का ही है। उसने कहा ना कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, करने दो, भूल जाएगा वो मुझे और कुछ टाइम बाद मैं भी उसे भूल जाऊंगी। मीका, इतना आसान नहीं होता इन बातों को भूलना। मैं नहीं भूल पाऊंगी, तो रमन ने बहुत खेला है तुम्हारी और उसकी जिंदगी के साथ, लेकिन अब और नहीं, मैं उसको ये सब गेम्स नहीं खेलने दूंगी। होगा मिहिर उसका गुलाम, मैं नहीं हूँ, मैं रमन को ये सब करने नहीं दूंगी। आप क्या कर लोगे? आप हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब मैं भी रमन का ही गेम खेल कर उन्हें जवाब दूंगी, उनसे भी बेहतर गेम खेलूंगी मैं। जस्ट वेट एंड वॉच कि अब मैं क्या करती हूँ।